मध्य प्रदेश के गुना में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसा उस वक्त हुआ जब गुना से आरोन जा रही एक पैसेंजर बस दुहाई मंदिर के पास सामने से आ रहे डंपर की टक्कर लगने से पलट गई। हादसे के फौरन बाद बस में भीषण आग लग जाती है और देखते ही देखते आग के गोले में बस तब्दील हो जाती है। इस हादसे में 13 लोग जिंदा जल गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NBC भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। आगजनी के दौरान बस में बैठे कई यात्री झुलस गए, उनकी हालत गंभीर है। आंकड़ा मरने वालों का और भी बढ़ सकता है। वहीं बस ड्राइवर की डंपर से टकराने के फौरन बाद ही मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद ज्यादातर यात्रियों ने बस का कांच तोड़कर खुद को बचाया और बाहर निकलने में कामयाब रहे। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। आगजनी पर पूरी तरह काबू पाने के बाद जब प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया तो बस में से कंकाल निकलना शुरू हो गए। फौरन गुना के कलेक्टर तरुण राठी मीडिया के सामने आते हैं और 12 लोगों की मौके पर मौत, 14 लोगों के घायल होने की पुष्टि करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी मृतकों और घायलों के इलाज के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी फोन पर अधिकारियों को बचाव और इलाज के निर्देश दे दिए। गुना हादसे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संज्ञान लेते हुए आदेश दिया कि जांच फौरन की जाए, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा मिले। सूत्रों के मुताबिक हादसे का शिकार हुई बस काफी पुरानी थी। वो किस परमिट पर चल रही थी, उसका बीमा या फिटनेस था या नहीं, गुना कलेक्टर तरुण राठी इन सवालों के जवाब देने से बचते नजर आए। सूत्रों की माने तो बस गुना के किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की बताई जा रही है। अब बस की फिटनेस या बीमा था कि नहीं, यह सब तो मुख्यमंत्री मोहन यादव के जांच के आदेश के बाद सामने आ जाएगा। पर घर जाने के लिए जो लोग बस में बैठे थे उनमें 12 की जीवन यात्रा बेहद दर्दनाक तरीके से खत्म हो गई। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी से पूछेंगे कि आखिर प्रशासन समय के पहले क्यों नहीं जागता, क्यों कंडम बसें रोड पर सवारी ढोने का काम करती हैं, क्या प्रशासन कोई कार्रवाई करने के लिए किसी बड़े हादसे का इंतजार करता रहता है। और इन सवालों का जवाब गुना के कलेक्टर साहब और परिवहन विभाग दोनों को ही देना होगा। नमस्कार।